हेलो गाइस, वेलकम बैक न्यू ब्लॉग। तो आज तारीख है 6 जुलाई और रूम पे लेटे ही थे, कुछ काम था AKT यूनिवर्सिटी में। तो आज हम लोग जाने, हम और मैं साथ रहती हैं, तो जाने वाले हैं AKT यूनिवर्सिटी। रीज़न क्या है, जो इंजीनियरिंग में मतलब सेकेंड ईयर में जब मैं था तो एक एग्ज़ाम हुआ था पैथन का, उसका नंबर नहीं अपडेट हुआ था, तो वही नंबर अपडेट करने के लिए इतनी बार अप्लीकेशन दी गई, बट अभी तक मेरा ही नहीं मतलब सभी बच्चों का मतलब जो मेरा ही नहीं मतलब सभी बच्चों का मेरे क्लास के मतलब मेरे जितने 2018 के बैच के सभी का ये इशू है, बट अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ है। हम लोग पैदल ही जा रहे हैं क्योंकि ये यूनिवर्सिटी पास ही में है, तो यहाँ से देख रही आपको बैकग्राउंड में दिखा रहे हैं, जो सामने दिख रही ना यूनिवर्सिटी, यही AKT यूनिवर्सिटी है लखनऊ की। लखनऊ का यही कैंपस है AKTU का, यहीं से सारी सब कुछ कंट्रोल होता है। तो चलते हैं यूनिवर्सिटी में, सीधे मिलते हैं आपको अंदर, फिर बताते हैं क्या कहानी क्या है AKTU की और कैसा कॉलेज है अपना। ये अपनी यूनिवर्सिटी, यहाँ पर जाके पहले एक टोकन मिलेगा अंदर जाने के लिए, टोकन मिलने के बाद अंदर जाना है, थोड़ा काम वाम करवाना है, वो फिनिश करेंगे, फिर आपको बताते हैं रीज़न क्या है पूरा सब कुछ। ये मेन यूनिवर्सिटी कैंपस है यार। भाई किधर जाना, कहाँ जाना है आपको यार? मुझे डी फार्मा डिपार्टमेंट में जाना है, इधर ही है टेक्निकल यार। ये यार स्टूडेंट से ले, मुझे पता इसके आगे तो मुझे भी नहीं पता कहाँ क्या है, आगे पता कर लो, गार्ड खड़ा होगा बता देगा। ये मेन स्टूडेंट सेल है, यहाँ पर जाना है, स्टूडेंट सेल में अप्लीकेशन देना है। अप्लीकेशन यार क्या मतलब, 2-3 साल हो रहा अभी किसी भी बच्चे का जो इशू है रिजॉल्व नहीं हुआ है, तो अप्लीकेशन देख के देखते हैं क्या होता है। और अभी तक साला क्या बोलते हैं कि जो योगी जी की तरफ से वो एक योजना चली थी टैबलेट वाली, फाइनल ईयर के बच्चों को मिलेगा, बट वो अभी तक किसी भी बच्चे को नहीं मिला मेरे कॉलेज में। पता नहीं क्या इशू है, रीज़न क्या है, डाटा नहीं भेजा गया कॉलेज की यूनिवर्सिटी की तरफ से, क्या रीज़न है नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। ठीक है, किसी को देख लो, यही AKTU यूनिवर्सिटी है। तो ये नीचे अंडरग्राउंड पार्किंग है, ऊपर इसमें क्लासेस चलती हैं MTech वालों की, इधर बैंक है और स्टूडेंट सेल है और इधर डाकघर है यहाँ पे। तो मेरा काम तो इसी में है, स्टूडेंट सेल में जाते हैं सीधे स्टूडेंट सेल में और ये अपनी अप्लीकेशन देते हैं सर को और उनसे बताते हैं क्या प्रॉब्लम क्या है कैसा क्या है। ओ भाई, ये बाहर बहुत गर्मी थी, अंदर यहाँ से ही AC हवा लगनी स्टार्ट हो जाती है, तो मिलते हैं सीधे आपको अंदर। वेट कर रहे हैं बट अभी तक नहीं आए हैं सर, 15 के 20 मिनट हो गए, 3:37 हो गए, 4 बजे तक रहेंगे, फिर इसके बाद चले जाएंगे। मैम से मैंने अभी बात की तो बता तो रहेंगे थे आएंगे, बट अभी तक नहीं आए हैं, देखते हैं आते हैं नहीं यार आज। वैसे भी ये इशू सॉल्व हो जाए तो ज़्यादा बेटर है हमारे लिए, हमारे के पूरे क्लास के लिए, अगर मेरा सॉल्व हो गया तो सबका सॉल्व हो जाएगा, ये रीज़न है। 3:37 होने वाला है बट अभी तक नहीं आए, आई एम वेटिंग। 4 बजे तक उठ के चले जाएंगे, आज का दिन पूरा विषय बर्बाद हो गया मेरा, उसके बाद ये 4 बजे चले जाएंगे, तो कल फिर आना पड़ेगा यार, प्रॉब्लम तो यही है, रुक हो जाना है, काम भी ना हो यार, काम तो नहीं हो पाया क्योंकि वो 1 घंटे से मैं वेट कर रहा था, अभी तक आए ही नहीं, तो देखते हैं अब कल आते हैं कल, क्योंकि अभी पास ही में रहते तो आने में कोई दिक्कत भी नहीं, आ जाएं कल आएँ, आ जाएंगे आधा घंटे के लिए, टोकन भी है मेरे पास, ऐसे घुस आएंगे कोई दिक्कत नहीं। तो आपको दिखा दें, ये एडवांस स्टडी का सेंटर है यहाँ AKTU में, उधर जो आपको नीली पीली दिख रही है वो लाइब्रेरी है। ठीक है, लाइब्रेरी आपको मैं दिखाऊँ यहाँ से जूम करके, जो दिख रही है ना ये लाइब्रेरी है, और ये जो है ये कैंटीन है यहाँ की। इधर भी ऐसा ही है, नीचे अंडरग्राउंड पार्किंग बनी हुई है, ये जो सिस्टम दिख रहा है इसमें कॉपियाँ चेक होती हैं, बस इतना ही बड़ा परिसर है, इसके पीछे जो है कुछ बना हुआ ही नहीं है, वहाँ पे ना सा था।
जो उधर आपको बिल्डिंग दिख रही है उसमें यहाँ की फैकल्टीज या फिर जो चीफ मेंबर हैं उनके रहने की व्यवस्था है, ठीक है। और ये तो मेन ब्लॉक है, यहाँ इस यहीं पे सब काम होता है, ये एडवांस डीज के लिए, ये डाकखाना, बैंक भी इसी के अंदर ही है, बस इतना सा था। तो आई होप ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, मेरा काम तो नहीं हुआ, कल आते हैं तो काम हम करवाते हैं फिर। आई होप ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग, मिलते हैं नए वीडियो में।